यात्रा में शहीद हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के समन्वयक स्वर्गीय कृष्ण कुमार पांडे जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनके परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे व उनकी याद में NIT चौक से उनके निवास स्थल तक पद यात्रा भी निकाली। पांडे जैसा कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को फिर कभी नहीं मिल सकता, उनका जाना पूरी पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी हानि है, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता देखकर बीजेपी वाले घबरा गए हैं व आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। उनके पुत्र शैलज पांडे को यह विश्वास भी दिलाया कि इस दुख की घड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है। श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली सेवा दल के बलराम भदौरिया, राम गोविंद खोबरागड़े, अर्जुन सिंह परियार, अशोक सिंह चौहान, तानाजी वनवे, मोहम्मद कलाम, प्रवीण आगरे, अनिल वाघ, राकेश वैद, राजेश भोड़े, राकेश वैद, प्रवीण आश्रय, सुनील अग्रवाल, रामचंद्र भागवतकर, मुन्ना पटेल, ताज अहमद, सिद्धार्थ जोशी, कमलेश चौधरी, अरुण वराडे, विजय दौड़ा, नर्मदा उड़ाके, स्मिता कुमारी, कल्पना पाथरे, रेखा वाघमारे, विदलता उड़के, अनिरुद्ध पांडे, रौनक नानगावे, हर्ष बर्डे, कुणाल चौधरी, प्रणय ठाकुर, निखिल वानखेड़े, सौरभ कालमेघ, विक्की मिश्रा, करण मिश्रा, उमाशंकर पांडे आदि उपस्थित थे। लड़ाई के योद्धा केदारनाथ पांडे जी का ये परिवार सदैव से आज़ादी की लड़ाई में संलग्न रहा और उसके बाद के समस्त परिवार ने समाज सेवा के रूप में इस नागपुर शहर और महाराष्ट्र में काम किया। कृष्ण कुमार पांडे जी हमारे सेवा दल के प्रमुख थे, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे और परसों सुबह 8:30 बजे झंडा वादन हुआ, उसमें हमारे साथ रहे, नाश्ता साथ किया, झंडा हाथ में लेकर चले। किसको मालूम था कि वे आधे घंटे हमारे साथ रहे। उनकी कर्मठता, उनका जज्बा कांग्रेस के प्रति और सेवा दल के प्रति उनका समर्पण था, ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।